वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकिंग माइंड। दोस्तों आज हम लोग JSSC स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल एग्जामिनेशन जो 1 सितंबर 2019 को होने वाला है के लिए साइंस के प्रैक्टिस सेट 3 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फुली बेस्ड ऑन सिलेबस। दोस्तों आप लोगों का एग्जाम नज़दीक है इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम 2 वीडियो डेली अपलोड करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए कथनों में कौन सही नहीं है? ऑप्शन आर, चिकन पॉक्स एवं हेपेटाइटिस ए विषाणु द्वारा होता है, अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन B1 की कमी से होता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, रतौंधी विटामिन बी की कमी से होता है। ये सही नहीं है क्योंकि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का अजैविक अबायोटिक कारक है? मनुष्य, पक्षी, पेड़ पौधे या वायु? एंड द राइट आंसर इज वायु। आप देख सकते हैं बायोटिक वर्सेस अबायोटिक फैक्टर, जैविक वर्सेस अजैविक कारक। लिविंग एग्जाम्पल्स प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड बैक्टीरिया ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटिक फैक्टर्स। इधर नॉन लिविंग एग्जाम्पल्स वाटर, सनलाइट, सॉइल, एयर, टेम्परेचर ऑल आर अबायोटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट, खरीफ फसल का चयन करें। ऑप्शन आर, धान, गेहूं, सोयाबीन या दलहन? एंड द राइट आंसर इज धान। आप देख सकते हैं खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है व अक्टूबर के आसपास काट लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, कपास इत्यादि। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, फॉर एग्जाम्पल गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों इत्यादि। जायद फसल जिसे गर्मा फसल भी बोलते हैं मार्च अप्रैल में बोया जाता है, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज इत्यादि। नेक्स्ट, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है? ऑप्शन सार, केंद्रक, सेंट्रॉयड, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, या इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये सेल वॉल कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, ना कि जंतु कोशिका में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक सक्रिय धातु है? ऑप्शन आर, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर या तांबा? एंड द राइट आंसर इज पोटेशियम। लोग सोडियम को लेकर के कन्फ्यूज कर जाते हैं क्योंकि ये भी रिएक्टिव मेटल है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आंसर पोटेशियम होगा, और पोटेशियम अगर ऑप्शन में नहीं है तब आंसर सोडियम होगा। नेक्स्ट, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ऑप्शन आर, अमीबा, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या हाइड्रा? एंड द राइट आंसर इज माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिजैविक दैट मीन्स एंटीबायोटिक है? ऑप्शन आर, ईस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन या इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट, किस जीवाणु के द्वारा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन आर, ईस्ट, एंटीबायोटिक, लैक्टोबैसिलस या इनमें से सभी? एंड द राइट आंसर इज लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधों एवं जंतु में परिवहन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन आर, नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज नाइट्रोजन चक्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन आर, नल का पानी, खाद तेल, नींबू का रस या इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज नींबू का रस। नेक्स्ट, कौन कोशिका का ऊर्जा संयंत्र यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल माना जाता है? ऑप्शन आर, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम? एंड द राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, नेत्र का कौन सा भाग नेत्र के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन आर, लेंस, कॉर्निया, परितारिका या रेटिना? एंड द राइट आंसर इज परितारिका, जिसे आयरिस बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन आर, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल या ऑक्सीजन? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ऑक्सीजन, क्योंकि आवश्यक गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग इसमें होता है, और प्रकाश संश्लेषण का जो बाय प्रोडक्ट होता है उसमें ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट निकलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? ऑप्शन आर, लकड़ी का जलना, नमक का बनना, चांदी का काला होना या मोम का पिघलना? एंड द राइट आंसर इज मोम का पिघलना। नेक्स्ट, मशरूम क्या है? ऑप्शन आर, सैवाल दैट मीन्स एलगी, कवक दैट मीन्स फंगी, जीवाणु, बैक्टीरिया या हरित सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल? एंड द राइट आंसर इज कवक, फंगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? ऑप्शन आर, आलू, चावल, गेहूं या सोयाबीन? एंड द राइट आंसर इज सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन प्रोटीन का स्रोत है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, खाद्य परिरक्षकों के संदर्भ में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आर, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, सिरका या इनमें से सभी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। और इन सब के अलावा नमक, चीनी, खाद्य तेल इत्यादि का प्रयोग भी खाद्य परिरक्षण में किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अचार में हम लोग नमक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट,
वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन चार, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, नए लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। एंड द राइट आंसर इज सोडियम कार्बोनेट। और जो बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। नेक्स्ट, क्वार्टज क्रिस्टल जिसका प्रयोग क्वार्टज घड़ियों में होता है क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सिलिकन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, सिलिकन एवं जर्मेनियम डाइऑक्साइड का मिश्रण या सोडियम सिलिकेट। एंड द राइट आंसर इज सिलिकन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? ऑप्शन चार, 2.5%, 3.5%, 4% या इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज 3.5%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में सामान्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन चार, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर। एंड द राइट आंसर इज हाइड्रोजन। नेक्स्ट, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन चार, नमक में, अल्कोहल में, दवाई में या उर्वरक में। एंड द राइट आंसर इज उर्वरक में। नेक्स्ट, मोती पर्ल मुख्य रूप से किसका बना होता है? ऑप्शन चार, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम ऑक्जेलेट। एंड द राइट आंसर इज कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा विटामिन सब्जियों में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन चार, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में बर्ड फ्लू कौन सा है? ऑप्शन चार, H5N1, H1N1, H1N5 या H5N2। एंड द राइट आंसर इज H5N1। और स्वाइन फ्लू H1N1 होता है। लोग दोनों में बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, तो आप लोग दोनों को डिफ्रेंशिएट करके याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यह था हमारा पार्ट थ्री साइंस का। अगले वीडियो में हम अगेन 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल पर इसी तरह से लगातार बने रहें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।